क्या हाल है सुमित्रा भाई, कैसे हो आप? बढ़िया कौन से गांव से हो बढ़िया। आप? कौन से गांव से हो? सैसे सड़क से हो? आपके गांव में मैं गया था, आपको पता है? अपन ने कार्यक्रम किया था और फिर मैंने कहा था 1,000 रुपया महीना देंगे, ध्यान है आपको? भाई से हाँ बोलो, क्या बोल रहे? बीच में तो बंद हो गया था ना, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। अब मिल रहा है ये, मतलब अच्छी चीज है, आहार में ही काम आता है ना। चलिए तो आपको बधाई, अब ये पैसा लगातार मिलेगा। और कोई योजना का लाभ मिलता है आपको? राशन मिलता है क्या? राशन हर महीने मिल जाता है? हर महीने मिलता। अरे तुम्हारा वो अभी बना कि नहीं, आयुष्मान कार्ड? नहीं बना था। अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना? जरा नोट करो, सुमित्रा का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, तुरंत आयुष्मान कार्ड बनवाना है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बैगा चख भी गया हूँ, भाजा के भाजी भी खाई, और मैं पाताल कोट भी गया, और मैं सेसई भी गया हूं। तो सहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, ये जो समाज है हमारी, ये बहुत पिछड़ी और विकास की दौड़ में पीछे रह गई है। और मेरे दिल में एक ही तड़फ है कि विकास में जो पीछे रह गए, जो नीचे रह गए, जो सबसे गरीब है, उनका अधिकार सरकारी खजाने पर सबसे पहले है। अब जैसे मेरी बहने बेगा, भारिया, सहरिया मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी इनके खाते में हर महीने पैसा डाल रहे हैं। इस साल 226 करोड़ रुपया डाल चुके हैं, 15 जिलों की 2,22,000 बहनों के खाते में, और ये पैसा लगातार डलेगा। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब जरूर ये बंद हो गया था, और शायद इसलिए फिर जल्दी से मुख्यमंत्री बन गया। 1 रुपया किलो गेहूं की योजना चले, ताकि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन मिल जाए। कि जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, धीरे धीरे उन सबके भी पक्के मकान बनाए जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरी बहनों मेरी आवाज सुन लेना सब ठीक से, इनके लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। मामा काय के लिए भाई, स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होगी, किताबें हम दे रहे हैं, स्कूल की गणवेश महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म देंगे, कपड़े। और एक बात और बता रहा हूं, अपने आदिवासी बेटा बेटियों के लिए आकांक्षा योजना है, उस योजना में उनको ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए कोचिंग, और उनका एडमिशन हो जाएगा तो वो फीस भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे, अपन नहीं पढ़ लिख पाए लेकिन बच्चे जरूर पढ़ें, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमारे बच्चे कुछ प्रमुख परीक्षाओं को पास करते हैं, उनमें चयन होता तो 50,000 रुपये हम अलग से देते हैं, और उसके साथ साथ इलाज के लिए भी व्यवस्था की है। अभी आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ बनवा है। अब मैं सब बहनों से नहीं पूछ पाया, एक बहन से पूछा था, ये देख लें, ये इस वर्ग में बिना आयुष्मान कार्ड के कोई परिवार ना रहे, हर एक के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का मतलब है इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई है, आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है। तो मैं सभी बहनों को एक बार फिर शुभकामना देता हूँ, सदैव आपके साथ मैं हूँ, सरकार है, लगातार आपकी सेवा का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।